मुझे इस वक्त उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला यहाँ पे पोलिंग स्टेशन के अंदर आ रहे हैं और बर्न हॉल का ये पोलिंग स्टेशन जहाँ पे उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला और उनके दो बेटे भी यहाँ पे आ चुके हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। ये आप बर्न हॉल की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं मेरे साथ, फारूक अब्दुल्ला अभी और उमर अब्दुल्ला उनके दो फर्जंद वो पोलिंग स्टेशन के अंदर गए अपना वोट कास्ट करने के लिए। उमर साहब वहाँ पे वेट करें, वहाँ पे चलो 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 सर तुम सारे लगे। ये उमर अब्दुल्ला बाहर आ गए, फारूक अब्दुल्ला भी वोट कास्ट करके मतलब वन टू वन कर जिला दिन भाई तो कर ये तस्वीर है। फिलहाल जो रिपोर्ट्स हैं सर ये अच्छी तादाद में वोटर जो है अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मुझसे बार बार पूछा जाता है कि हमारी क्या उम्मीदें हैं, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। कोई भी पार्टी, कोई भी उम्मीदवार हारने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ता, तो हमारे एक्सपेक्टेशंस यही है कि आज ज्यादा से ज्यादा वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को पड़ेंगे। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार नहीं है वहां कांग्रेस के साथ हमारे अलायंस के तहत कांग्रेस के उम्मीदवार को जो है वोट मिलने चाहिए और उम्मीद ये की जा रही है कि 8 अक्टूबर के बाद अक्सरियत हमारी होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की यहाँ पे अलायंस गवर्नमेंट जो है काम करेगी, यही हमारी उम्मीद है। ये डेलीगेशन के हवाले से समझ में नहीं आता, यही लोग जब जम्मू कश्मीर के बारे में कमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से बयान आता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो हमारी अंदरूनी, हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें दूसरों की दखल नहीं होनी चाहिए। अगर दखल नहीं होनी चाहिए, अगर इनके कमेंट्स आपको नहीं चाहिए तो इनको यहाँ लाया क्यों जा रहा है? और वैसे भी यहाँ लोग वोट अपना इस्तेमाल या इलेक्शन में हिस्सा इसलिए नहीं ले रहे हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत खुश हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग यहाँ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, नहीं तो यहाँ लोगों को तंग करने में, सताने में, परेशान करने में पिछले 6-7 साल से हुकूमत ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। इसके बावजूद लोग अगर इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो ये लोगों की, मैं कहता हूँ इसका श्रेय लोगों को जाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है कि इसका सारा क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिले, जो कि यहाँ के लोगों के साथ धोखा है। और अगर बाहर के डिप्लोमेट्स को लाया जा सकता है तो मुझे ये बताया ना, बाहर के जर्नलिस्ट को इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है?
बाहर के किसी भी जर्नलिस्ट को जिन्होंने अप्लाई किया था इस इलेक्शन को कवर करने के लिए, उन्हें इजाजत नहीं मिली। लेकिन एक गाइडेड टूर टूरिस्ट की तरह इन डिप्लोमेट्स को लाके यहाँ इलेक्शन दिखाए जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। साउथ कश्मीर में काफी ज्यादा सुबह से ही वोटिंग देखने को मिली, लेकिन श्रीनगर थोड़ा स्लो है, आपको क्यों लग रहा है कि ऐसा हो रहा है? अब हमारी वोट डालने की आदत नहीं रही। अब हम श्रीनगर के लोगों को 35 साल अपना वोट इस्तेमाल करने की आदत नहीं रही, हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा दोबारा, मतलब घर से निकल के पोलिंग बूथ में जाना। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी जो सराउंडिंग एरियाज हैं वहां के पोलिंग को देखने के बाद श्रीनगर के लोग भी निकलेंगे और अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आखिरकार उनको भी अपने एमएलए पे जो है, अपने एमएलए से काम मांगने का हक है, और वो हक जो है वोट से शुरू होता है। उन्हें अपने एमएलए को चुनने में जो है अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए और फिर अपने एमएलए से जो है काम मांगने चाहिए। और कुछ